अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्सो ऑफिशियल ब्लॉग। तो ऐसा है दोस्तों, जब भी मैं अपनी गाड़ी में खुद से कोई छोटा मोटा काम करता हूँ तो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो बनाकर, ताकि आप लोग भी वो काम खुद से कर सको। क्योंकि देखिए, मेरे पास एक बेसिक सी गाड़ी है TVS Ntorq, जो कि हज़ारों लोगों के पास है। तो अगर आप कोई छोटा मोटा काम खुद से कर सकते हो तो आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। तो आज भी हम लोग ऐसा ही एक छोटा सा काम करने वाले हैं। आज हम लोग क्लीन करने वाले हैं अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, एयर फिल्टर क्लीन कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, फ़िल्टर क्लीन करना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो है फ़िल्टर क्लीन नहीं करने की वजह से ज़्यादा टाइम तक फ़िल्टर में जो है डस्ट जमा हो जाती है, और फ़िल्टर में ज़्यादा डस्ट जमा हो जाने की वजह से दोस्तों अपने साइलेंसर में फ़र्क पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आपके साइलेंसर का पाइप बराबर होता है, लेकिन आपके साइलेंसर में एक अजीब सी आवाज़ आती है। जब आप गाड़ी चलाओगे, रेगुलर चलाने वाले नोटिस कर लेते हैं, कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगेगी, एकदम आपको लगेगा कि कुछ अनयूजुअल आवाज़ आ रही है। वो एक्चुअली होता है डस्ट की वजह से। फ़िल्टर साफ़ नहीं होगा तो ठीक से जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा, जो अपना साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो बराबर नहीं निकलेगा, और गाड़ी अटक अटक की भी चलेगी। आगे ऐसी ये सब प्रॉब्लम आ सकती है इसी में छोटे से फ़िल्टर को क्लीन ना करने की वजह से। वैसे तो जब आप रेगुलर सर्विस करवाते हो तो वहाँ पे मैकेनिक जो है उसको क्लीन कर ही देते हैं हमेशा, क्योंकि कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। चार स्क्रू खोल के फ़िल्टर को बाहर निकालना है और उसको क्लीन कर देना रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप खुद से ये करोगे तो हर दो चार महीने में, तीन महीने में निकाल के उसको क्लीन कर सकते हो। आपको यानी गैरेज में जाने का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटा मोटा काम जो है खुद ही कर सकते हो, उसके लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं रहेगा। जब आपकी मर्ज़ी रहेगी आप कर सकते हो। आपको जब भी लगेगा कि हाँ इतना इतना टाइम हो गया है, मैं सर्विस सेंटर नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप खुद से उसको क्लीन कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे जब आपको सर्विस सेंटर जाने का टाइम नहीं मिलता, तब आप छोटे मोटे काम जो है खुद से कर सकते हो। जैसे कोई चीज़ लूज़ या टाइट करना, किसी पार्ट को फिक्स करना, या फिर जैसे ये एयर फिल्टर क्लीन करना। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें, ये आप खुद से ठीक कर सकते हो अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखते रहोगे तो। और आपको सीखने भी मिलेगा, गाड़ी की नॉलेज भी हो जाएगी, तो आपके दो पैसे भी बच जाएंगे और आपको अच्छी खासी नॉलेज भी बन जाएगी आपकी। तो नॉलेज जो आपको हमेशा काम आएगी, दूसरी गाड़ियों में भी काम आएगी, तो इसीलिए ऐसे वीडियोस देखते रहिए। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और करते हैं अपना काम। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं और अपने एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको निकालते कैसे, क्लीन कैसे करते हैं, और वापस लगा भी कैसे देते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, चलिए दिखाता हूँ। तो ये हमारी गाड़ी है दोस्तों, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़िल्टर कहाँ पर होता है। ये देखिए, ये जो फुट रेस्ट है, ये जो पैर रखने की जगह है, यहाँ पर इसी के पीछे ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ना, ये चार स्क्रू जो है दोस्तों फिल्टर बॉक्स है यहाँ पर। तो इन चार स्क्रू को खोलने के बाद जो है फ़िल्टर सामने ही होगा, आप उसको बड़े आसानी से, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, इसको आप स्टार कर लीजिए या प्लस कर लीजिए, और इसको इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इसको खोल लीजिए। जैसे ही आप ये कवर खोलेंगे, सामने आपका फ़िल्टर होगा। ये देखिए, मैं इसको खोल ले रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का स्क्रू होगा, ऐसे चार स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये ढक्कन खुल चुका है, और ये सामने जो है फ़िल्टर होगा। ये देखिए, ये हमारा एयर फिल्टर है। इसको बड़ी आसानी से ऐसे बाहर निकाल लीजिए, और ये देखिए कुछ ऐसा होता है फ़िल्टर। आप देख सकते हैं अंदर, देखिए कैसी धूल और डस्ट दिख रही है आपको। ये तो कम है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा होती है। इसको थोड़ा कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ पहले। ये एरिया भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। ये देखिए, अभी थोड़ा साफ़ है। इसको मैंने पोंछ लिया। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आ गया हूँ हमारे वर्कशॉप पे, जहाँ पर मैं काम करता हूँ होटल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सारा सामान अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा फ़िल्टर अभी ज़्यादा गंदा नहीं है, ये मैंने अभी अभी नया ही डलवाया था 2-3 महीने पहले, तो इसलिए ये नया है। और नहीं तो आप अगर दूसरे किसी का निकाल के देखेंगे तो बहुत काला पीला हो जाता है, और उसको फेंकना ही पड़ता है, फिर नया डालना पड़ता है। तो मेरा काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और ऐसा एक फ़िल्टर दोस्तों 12,000 किलोमीटर तक चलता है वैसे। और आप चाहे तो इसको टाइम टू टाइम 12,000 किलोमीटर के हिसाब से, या फिर जैसा भी हो, आप उसको क्लीन करके या फिर चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसको क्लीन करने के लिए दोस्तों, मेरे पास एक ब्लोअर मोटर भी है, जो इसमें जो है हवा मारने के लिए काम आएगा। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। आपके पास अगर ब्लोअर नहीं है तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्लीन करने के लिए, ये देखिए दोस्तों, इसको जो है, ये जो कवर है इसका, इसको अपन एक झटका मार के ऐसे साफ़ कर सकते हैं। ऐसे आप फटका मारोगे तो धूल उड़ जाएगी। ये देखिए, इसमें
दिख रहा होगा कहीं कहीं पे धब्बा है, धूल है, तो इसको ही मैं झटकूंगा तो ये साफ हो जाएगा। और ये जो है इसको दोस्तों साफ करने के लिए आपको एक ब्रश लगेगा, एक जूना पुराना ब्रश आपके पास अगर होगा तो वो ले लीजिए। ये देखिए ये मेरे पास एक जूना ब्रश है, इससे जो है दोस्तों आपको ऐसे साफ करना है, इसमें जो गैप है इसमें इस तरह से इसको घसना है, तो होगा क्या है कि जो धूल मट्टी है वो लूज हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको जो है अगर हवा मारोगे, ब्लोअर है तो हवा मार सकते हैं, या फिर ऐसे ही मुंह से भी फूंक मारोगे तो वो निकल जाएगा धूल। इस तरह से अंदर भी आप इसको साफ कर सकते हैं, जिसके बाद आपका सारा डस्ट क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि ये अच्छी कंडीशन में अभी बहुत लोगों का काला पीला हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फिल्टर लोकल दुकान से खरीदोगे तो आपको 350 तक आएगा, 300 तक, 300 350 तक आएगा, और अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वहाँ पे तो 400 450 का आएगा। तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रख रहा हूँ जहाँ पे आपको अमेजोन पे ये जो है 200 250 तक का आ जाएगा। तो अभी मेरा फिल्टर जो है दोस्तों रेडी है, तो अगर आपको नया फिल्टर खरीदना है तो आप उस लिंक पे जाके उसको खरीद सकते हैं, आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा और अच्छा फिल्टर मिल जाएगा। तो मेरा फिल्टर दोस्तों अभी रेडी है, और ये देख सकते हैं आप, ये जो इतना सफ़ेद है ना, जब गंदा होता है तो एकदम काला पीला हुआ रहता है। तो अभी मुझे बस इसको लगाना है दोस्तों, इसको मैं अभी बस अंदर डाल के वापस से उस ढक्कन को लगा दूंगा और मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ये जो सामने का जो होल है इसको इसके होल के साथ मैच करना रहता है, तो ऐसे स्ट्रेट रख के आप इसको बस पुश करिए और ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, बस इतना ही। ये अभी लग चुका है, अभी बस इसका ढक्कन लगाना है और स्क्रूज को टाइट कर देना है, तो अपना काम हो जाएगा। बस दोस्तों हो गया, अब मैं ये 4 स्क्रू लगा दूंगा और अपना काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि एयर फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं, और चाहे तो आप टाइम टू टाइम इसको क्लीन कर सकते हैं या फिर सर्विस करवाते टाइम भी क्लीन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने लिंक छोड़ रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको नया फिल्टर ख़रीदना है तो आप उस लिंक पे जाके उसको ख़रीद सकते हैं, आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा। तो जब भी आपको चेंज करना हो उस वक्त आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जब आपका ऑर्डर आ जाएगा तब उसको आप चेंज कर दीजिएगा, या फिर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो लोकल मैकेनिक से भी ख़रीद सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा मकसद आपको जो है सिखाना है कि आप कैसे खुद से एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।